अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जियो लावा न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट आमना मलिक। एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने शहीद सहाफ़ी सदफ़ नईम की बेटी और बेटे से मुलाकात में 50 लाख रुपए माली इमदाद का चेक दिया। बेटी को सरकारी मुलाजमत और सदफ़ के शोहर को सरकारी महकमे में फ़ोटोग्राफ़र की मुलाजमत देने का ऐलान किया। भून रोड सदवाल मोड़ के करीब 2 अफराद कुएं में दब गए। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन कमांडर ने बताया कि कुएं से 2 अफराद ईंटें निकाल रहे थे कि कुआं की दीवारें गिर गई और दोनों कुएं में दब गए। डिजास्टर एमरजेंसी रिस्पांस टीम 3 एमरजेंसी गाड़ियों समेत मौका पर पहुंची, जिन्होंने 40 मिनट बाद 50 साल मसूद अहमद वल्द अल्लादिता साकन थरपाल को जिंदा सलामत रेस्क्यू कर लिया और मौका पर इब्तदाई तबी इमदाद मुहैया करते हुए DHQ हस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया, जबकि 40 फुट गहराई में दबे 55 साल सुल्तान महमूद वल्द जमात हुसैन साकन थरपाल को 5 घंटे बाद निकाला गया, जो मौका पर ही जांबाक हो चुका था। रेस्क्यू ऑपरेशन में मुसद्दक हबीब SI अली DR मोहसन DR साजिद DR केसर LTV साकब EMT इकरा EMT उमैर EMT और नुमान LTV और साकब LTV ने हिस्सा लिया। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। हकीकी आज़ादी मार्च गकड़ में मैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के कंटेनर वाले जनरेटर में आग लग गई। रेस्क्यू टीमों ने फौरी आग पर काबू पा लिया। मज़ीद नुकसान ना हुआ है। आग तकरीर ख़त्म होते ही लगी। हालात बेहतर होने पे इमरान खान को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मियांवाली राहील मिर्जा की जानिब से राबी सेंटर के सामने से तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। CEO म्यूनसिपल कमेटी को हदायत की कि वो गैर कानूनी पार्किंग पर राबी सेंटर की इंतजामिया के खिलाफ FIR के अंदराज को यकीनी बनाए। घक्कड़ की आवाम की जानिब से अपने कप्तान इमरान खान का शानदार इस्तकबाल। हकीकी आज़ादी के हक़ में फैसला सुना दिया। इमरान खान ने कहा, जब कौम जाग जाती है तो इस शऊर को कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तानी कौम जानती है कि किस तरह चोरों का टोला इन पर मुसल्लत किया गया। कौम इनको किसी सूरत कबूल करने को तैयार नहीं। कौम ने फैसला कर लिया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने घक्कड़ में आज़ादी मार्च से खिताब के दौरान 6 अहम सवालात के जवाबात मांग लिए। कि जब वो अमरीकी डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान एम्बेसडर असद मजीद को वॉशिंगटन में जब धमकी दी कि इमरान खान को अदम एतमाद में हटाओ नहीं तो हम पाकिस्तान के लिए मुश्किलें पैदा कर देंगे, मेरा पहला सवाल यह है कि जब मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था, एम्बेसडर मेरे नीचे था, तो सवाल मेरा यह है कि वो किसको पैगाम दे रहा था? प्राइम मिनिस्टर मैं था। किसको वो डोनाल्ड लू कह रहा था कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, अरशद शरीफ शहीद, कौन उसको धमकियां दे रहा था? किसने उसको मजबूर किया मुल्क से बाहर जाने के लिए? उसके बाद दुबई से किसने मजबूर किया दुबई को छोड़ के जाने से? और तीसरी चीज कि वो कौन था जो उसको मुंह बंद करना चाहता था? वो जब ये जो रजीम चेंज इसकी साजिश को बेनकाब कर रहा था तो वो कौन थे जो उसका मुंह बंद करना चाहते थे? और तीसरी चीज, तीसरा सवाल कि सहाफियों को कौन धमकियां दे रहा है? कौन है जो सहाफियों का मुंह बंद करना चाहता है? कौन आजादी राय से खौफजदा है? वो कौन है जो चाहते हैं कि इस मुल्क में मीडिया आजाद ना रहे? वो कौन है जो सहाफियों को धमकी दे के 4 सहाफी अब तक मुल्क से बाहर चले गए, 3 सहाफियों को मारें पड़वाई हैं, 1 को जेल दी है, FIR कटवाई है? तो मेरा सवाल यह तीसरा कि वो कौन है जो इस मुल्क में हमारी आजादी लेना चाहता है, हमारी आवाज बंद करके। और चौथा, वो कौन है जिन्होंने आजम खान स्वाती सेनेटर, 75 साल उसकी उम्र, उसको पहले बच्चों के, उसके पोते और पोतियों के सामने मार पड़वाई और उसके बाद उसको नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया। वो कौन है? वो कौन है जो FIA को कह रहा था, ऑर्डर दे रहा था FIA को? वो कौन था? और वो कौन था जो शबाज गिल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, उसको उन्होंने नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया? कौन थे वो? पुलिस कहती है जी हम नहीं थे, हमें पीछे से ऑर्डर आए। कौन ऑर्डर दे रहा था? और वो कौन है जो टेलीफोन कर करके नामालूम नंबरों से धमकियां देते हैं लोगों को? कौन है वो?